Dear learner, my name is Jasveer Kaur. I am an assistant professor of computer science in Baba Moniji group of institution. On the demand of viewers, we are going to start lecture series. So today is our first lecture on input-output devices. So let's start. Firstly, we discussed about the input devices. What is an input devices? Input devices that things जिन्ना तक द्वारा कि आप कंप्यूटर नू इनपुट दी जाती है, ठीक है? कंप्यूटर है, वो अपनी जो भी कमांड्स है उन्हें प्रोसेस कर, ठीक है? बट आप उन्हें इनपुट कितना देनी है, ठीक है? जो भी अपनी कमांड्स है वो किस वे दे नाल लेंगे, ठीक है? तो जिस तरीके दे नाल या जिस वे दे नाल आप उन्हें इनपुट्स देने हैं, ठीक है? वो की होंगे अपनी इनपुट डिवाइस, ठीक है? तो अपने इनपुट डिवाइसेस काफ़ी टाइप्स के होंगे है, ठीक है? जिमें कि उन्होंने टाइप्स ने कीबोर्ड है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हो गए, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस हो गए, ठीक है? नेक्स्ट है, फर्स्टली आप डिस्कस करांगे कीबोर्ड, जो कि अपना बहुत ही कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है? कीबोर्ड की है कि आप ह्यूमन ने कंप्यूटर के नाल किदा इंट्रैक्शन करनी है, ठीक है? इंट्रैक्ट किदा करते हैं ह्यूमन है जो कंप्यूटर के नाल, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा की जाती है। तो फर्स्टली आप लैके चल रहे हैं कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के द्वारा आप किदा इंट्रैक्ट करांगे थ्रू अ टाइपिंग, ठीक है? कीबोर्ड के विच की आपां नूं स्विचेस लगिया होंदियां, ठीक है? बटनस होंदे है जिन्हां दे द्वारा कि अपनी जो भी आपां कमांड्स है जां जो भी आपां अपने द्वारा प्रोसैस करवाउणा चाहुंदे आ, कंप्यूटर नूं कमांड देना चाहुंदे आ, ठीक है? तो की आपां टाइप करांगे अपना जो भी कमांड है, ठीक है? तो कीबोर्ड दे की अपनियां नॉर्मली कीज़ किन्नियां होंदियां? 101 कीज़ होंदियां जो अपना क्वार्टी कीबोर्ड होंदा है, ठीक है? तो जिहड़ियां कीज़ की अपनी डिस्क्राइब होंगे अलग अलग वेज, ठीक है? तो फर्स्टली अपनी अल्फाबैटिक कीज़, अल्फाबैटिक कीज़ की हो गई जिहड़ियां ए टू जैड हो गई, ठीक है? एंड नैक्सट अपनी न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़ के विच आउंदी हैं 0 to 9 कीज़। एंड नैक्सट अपनी फंक्शन कीज़ जो कि F1, F2 and up to F12। नैक्सटली अपने पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइसेस ने, ठीक है? तो फर्स्टली की है इनपुट डिवाइसेस की है टू टाइप्स के होंगे, टाइपिंग एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। टाइपिंग डिवाइसेस की होंगे है कि जिन्हों के द्वारा आप कंप्यूटर नूं कोई भी कमांड देनी है थ्रू अ टाइप, ठीक है? आप टाइप करके देनी है, बट कुछ की होंगे जिहड़े कि पॉइंट करते हैं डिवाइसेस, पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइसेस की, जिदा कि माउस है, माउस नूं आप माउस द्वारा किदा दिती जाती है कमांड, ठीक है? माउस द्वारा आप पॉइंट करते हैं, एक करसर शो हो रहा होंदा अपन स्क्रीन के उपर, ठीक है? आप माउस में जिदा ही रोटेट करते रहने, ठीक है? तो आप जिथे भी अपना करसर नूं लिजा के पॉइंट कर दें, ठीक है? जिहड़ी भी चीज़ आप जो आइकन है जां जिथे आप जो भी कुछ टाइप करना है तो की आप उस जगह के उपर करसर नूं अपने नूं पॉइंट कर दें, ठीक है? दैन की यह पॉइंटिंग डिवाइसिस होगी। एंड जो ट्रैक बॉल है वो भी एज अ पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके द्वारा भी आप जिथे भी अपना करसर शो होंगे आप करसर नूं पॉइंट करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। लाइट पेन है, ठीक है? वह भी की है आप टच अपनी स्क्रीन है वो उपर की आप जिहड़ी जगह के उपर की है टच करांगे, ठीक है? उत्थे की अपना पॉइंट कर रहे हैं आप उस चीज़ नूं। एंड नैक्सट अपना पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। माउस भी बहुत कॉमनली यूज्ड अपना इनपुट डिवाइसेस है कि या माउस दे विच की है अपने लेफ्ट एंड राइट टू बटन्स होंदे हैं एंड सेंटर दे विच की होंदी अपने एक स्क्रॉल होंदी है। ठीक है, तो वो की आप
ठीक है, तो अपने को की है माउस की अपना एक पॉइंटिंग डिवाइस है एंड माउस दे विच जो कि आपने दसा जिदा कि आपां नूं फ्लैट सरफेस के उपर चला के ही आपां दी यूज कर सकते हैं ठीक है। एंड ये कि आपां नूं टू डिमेंशन होंदियां ने मोशनस होंगे है ठीक है। कि माउस की टू टाइप्स के होंगे अपने को, मकैनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। मकैनिकल माउस की है जिन्हां दे विच कि आपां बॉल नूं यूज करदे हां, रबड़ बॉल लगी हुंदी है ठीक है, जिहड़ी नूं कि आपां यूज करदे हां जदों भी रोल करदे हां ठीक है, उसनूं पैड दे उपर जां आपां अपने फ्लैट सरफेस दे उपर ठीक है। एंड ऑप्टिकल माउस उहनां दे विच की है लाइट लगी हुंदी है नीचे, कि लाइट जो चल रही हुंदी है ठीक है, उहदी मूवमेंट हुंदी है जो कि आपां जो भी अपनी कमांड है जां पॉइंट करदे हां डिवाइसिस नूं थ्रू अ लाइट सेंसर दे द्वारा। नैक्सट अपनी ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल भी लाइक एज अ माउस है ठीक है लुक वाइज, बट ये थोड़ी डिफरेंट होंगी है ठीक है। ये की है एक बॉल लगी होंगी है सेंटर के ठीक है, जो कि आपां हैंड दे नाल फिंगर दे नाल एंड थंब दे नाल किसी भी चीज़ के नाल की आपां मूव कर सकते हैं अपनी बॉल ठीक है। तो इस दे नाल भी आपां जिथे भी पॉइंट करांगे जेडे भी ठीक है पार्ट नूं डिस्कटॉप दे अपने ठीक है, जां जो भी पार्ट के उपर आपां इस दे नाल पॉइंटिंग करांगे ठीक है, उस चीज़ नूं की है ये आपां नूं प्रोसैस करके दूंगी। नैक्सट वन है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की है इनपुट डिवाइस है भी ठीक है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ठीक है, जो कि यदि की है एक स्टिक लगी होंगी है उपर एंड काफ़ी बटनस भी होंगे ये उपर ठीक है। वो अपन स्टिक नूं की है यूज करते हैं ठीक है, मूव करते हैं, कंट्रोल की जाती है जो कि ठीक है। एंड पुश बटनस होंगे जिहड़े कि आपां उहदे नाल इसनूं पुश कर सकते हैं ठीक है, एंड पुल कर सकते हैं। नैक्सट अपना लाइट पेन। लाइट पेन की है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है जो कि एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आपां नूं की है जिवें कि स्क्रीन के उपर आपां कुछ भी लिखना है जां टाइप करना है ठीक है, टाइपिंग डिवाइस के द्वारा की अपने टाइप किया जाए, बट इन जो लाइट पेन है लाइट पेन के द्वारा की कर सकते हैं आपां नॉर्मली स्क्रीन के उपर आप जो भी लिखना चाहते हैं ठीक है, जो भी अपनी कमांड है जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं डायरैक्टली आप लाइट पेन के द्वारा कि उस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कुछ भी की आप लिख सकते हैं जो कि आपू डायरैक्टली स्क्रीन के उपर लिखा जाऊगा ठीक है। स्क्रीन के उपर लाइट पेन यूज करा गया जो कि आपू पॉइंट करूगा अपनी स्क्रीन को एंड वो स्क्रीन के उपर कि आपने जो भी आप लाइट पेन के द्वारा ड्रॉ किया होगा जो टाइप किया होगा वो आपू डायरैक्टली स्क्रीन के उपर शो हो। नैक्सट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है एंड इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है ठीक है। ये की है डिस्प्ले एरिया होंगे जोड़ा अपना जो आपू डिस्प्ले हो रहा हों ठीक है, वो उपर आप अपनी फिंगर के नाल ठीक है ज अपने हाथ के नाल कि भी की है टच करते हैं ठीक है। तो आपू अगे जो भी चीज़ के उपर आप टच करते हो कि अपने को ओपन हो जाता है, जिमें कि अपने मोबाइल फोनस हो गए ठीक है, जां वीडियो गेम्स हो गई वो उपर की है आप किसी भी जगह के उपर वो पार्ट के उपर जो डिस्प्ले पार्ट हों आपू उपर आप जिथे भी टाइप करा जिस भी पार्ट के उपर टाइप करा आप जिस भी आइकन के उपर टाइप करा कि आपू ओपन हो जूगा जो प्रोसैसिंग होगी। नैक्सट है स्कैनर। स्कैनर की है इनपुट डिवाइस है ठीक है। तो स्कैन की अपनी जो भी इमेजेस है जां अपने प्रिंट किए हुए टैक्सट है जां अपना हैंड रिटन टैक्सट है कुछ भी है ठीक है, उन्होंने सारे कादे विच कन्वर्ट करता है एक डिजिटल इमेज दे विच कन्वर्ट। इन्हां दी अलग अलग टाइप्स होंदियां ने, फस्ट है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर भी की है फर्दर टू टाइप्स दे हुंदे है, फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। नैक्सट है ऑप्टिकल करैक्टर रिकोनाइजेशन एंड ऑप्टिकल मार्क रीड एंड बार कोड रीड। फर्स्ट अपना इमेज स्कैनर।
ਮੀ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸਕੈਨ। ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸਕੈਨਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਟਾਈਪ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰਮ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਸਕੈਨਰ। ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਇਮੇਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸਕੈਨਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਹੈਲਡ ਸਕੈਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆ, ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਕੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਸਕੈਨਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ OCR ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਸਕੈਨਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ। ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਡੋਟਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆ ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਇਜ਼ ਆ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਡਿਵਾਈਸ ਔਨ ਆ ਮਾਲਸ ਐਂਡ ਐਨੀ ਸ਼ੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੋਪਕੀਪਰਸ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਬਾਰਕੋਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਰਕੋਡ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡਸ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ।
ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ ਰੀਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨਪੁੱਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਐਂਡ ਸਾਰਾ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਿਕੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਪੁੱਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਥਰੂ ਆ ਸਪੋਕ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੋਕਨ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਰਿਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਥਰੂ ਆ ਸੀਇੰਗ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਦੈਟਸ ਨੇਮ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ ਇਨਪੁੱਟ ਲਊਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਂਡਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਥਰੂ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰ ਸਪੀਕਰ ਹੈਡਫੋਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਲੋਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਫਸਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਔਨ ਆ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਮੋਨੀਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਰ ਬੇਸਡ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆ ਜੋ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਲਟੀ ਕਲਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੋ ਇਮੇਜਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕਰਸ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਸਪੀਕਰਸ ਕੀ ਹੈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਆ ਸਪੀਕਰਸ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਣ ਐਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਕਿਹੜੇ ਥਰੂ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਕਿ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਹੈਡਫੋਨਸ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡਫੋਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਡਫੋਨਸ ਵੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰਸ ਐਂਡ ਹੈਡਫੋਨਸ ਨੈਕਸਟ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਆ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰ ਇਨਪੁੱਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਈ ਦੈਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਆ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਥਰੂ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ताकि टाइप्स भी ने प्रिंटर्स दिए ने डेजी बिल डॉट मैट्रिक्स इंकजेट प्रिंटर लेजर एलईडी एंड थर्मल। फर्स्टली अपने को डेजी बिल प्रिंट की है। डेजी बिल प्रिंटर की है कहते वर्क्स लाइक अ वॉल हैड टाइपराइटर। ठीक है, एक टाइपराइटर की तरह की है यह वर्क करता है। ये की है लैटर की क्वालिटी। ठीक है, ये की जिदा सारी यही शेप बनी हुई है राउंड शेप का बनया हुआ। ये सारे जी साइड्स से है सारे करैक्टर्स की है प्लेस किए हुए हैं। दैन जदों भी आपू कमांड दी जाती है प्रिंट कर जो भी ये सेंटर से जो पार्ट है ठीक है राउंड पार्ट है वह की है रोटेट होंगे है एंड जिहड़ा भी करैक्टर्स की कमांड होंगी है तो वन बाय वन वो उपर स्ट्राइक करके उस करैक्टर्स की है प्रिंट किया जाता। तो जो कि है स्ट्राइक करता हर एक करैक्टर्स के उपर जिसनों कि आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस दे नाल की है बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट होंगी है। ठीक है, एंड स्लो है क्योंकि वन वन करैक्टर की है प्रिंट किया जाता है ये द्वारा हर एक करैक्टर रोटेट होगा जिहड़ा जिहड़ा करैक्टर नीड होगी उसमें स्ट्राइक करेगा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस दे नाल की है स्लो भी है एंड की है नॉइस भी ज़्यादा क्रिएट होंगी है। एंड मेन यदा एक होर डिसएडवांटेज की है ये द्वारा ग्राफिक इमेजेस की है प्रिंट नहीं किए जाते जस्ट टैक्सट फॉर्म में ही प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंट की है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होंगे ने अंदर की है पिनस लगे होंगे एंड इंक रिबन होंगे। ठीक है, रिबन के उपर की है इंक लगी होंगी है एंड पिनस लगिया होंगे जो कि स्ट्राइक कर दिया ने अगेंस्ट ऑन इंक रिबन एंड जो भी अपने करैक्टर्स की डिमांड होंगी है। ठीक है, उस की है पेपर के उपर की है प्रिंट होंगे रहते हैं जो भी करैक्टर्स की आप कमांड की। तो यदि स्पीड में आप मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द करैक्टर्स कि यह एक सैकेंड के बीच किन्ने करैक्टर्स की है प्रिंट कर सकते हैं तो यह अबाउट है 50 to 500 करैक्टर्स पर सैकेंड के उपर की है प्रिंट। लाउड होंगे नॉइस है क्योंकि रिबन के उपर जो पिनस की स्ट्राइक होंगी है। ठीक है, वो उपर स्ट्राइक कर दिया ने तो वो द्वारा की है ये भी नाउस नॉइस क्रिएट होंगी। नैक्सट है इंक जेट प्रिंट। इंक जेट प्रिंटर्स ने जोड़े इन्होंने द्वारा इमेजिज़ में भी की है प्रिंट किया जाता है। तो इमेजिज़ की है जिदा कि इंक ज इंक है ठीक है यूज हो रहा वर्ड इंक जेट प्रिंट तो इंक जी स्प्रे की जाती है तो इमेजिज़ में जोड़िया के प्रिंट करने के लिए। इस जो प्रिंटर है इंक जेट प्रिंटर है यदि स्पीड में आप मेजर करा थ्रू अ पेपर्स कि एक मिनट के एक सैकेंड के किन्ने पेजस में की है प्रिंट करता है। यदि क्वालिटी है जो आप फर्दर किए है प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स एंड डेजी बिल उन्होंने द्वारा कंपैरिजन यदि क्वालिटी की है ज़्यादा वधिया होंगी है। ये की है कलर्स भी अवेलेबल होंगे कि अपनिया पिक्चर्स है जो वो ब्लैक एंड वाइट फॉर्म के ही नहीं बल्कि मल्टीपल कलर्स की फॉर्म के भी की है प्रिंट किए जाते हैं। नैक्सट है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो की है ये की है आप प्रिंट कर सकते हैं पिक्चर्स में मेन यदा एडवांटेज की है दूसरों के आप पिक्चर्स में प्रिंट करन दी जड़ी की है नहीं सीगा एंड ये की आप पेपर्स इमेजिज में भी की है प्रिंट कर सकते हैं एंड यदि स्पीड भी की है एंड उन्होंने कंपैरिजन ज़्यादा आ क्योंकि ये आप स्पीड में पर पेपर मेजर कर रहे हैं वो की होंगी सी पर करैक्टर मेजर होंगी सी। ठीक है, तो यदा मेन डिसएडवांटेज की है कि जो कॉस्ट है ये प्रिंटर्स की वो कहते हाई होंगी। ठीक है, तो ये की है कॉस्ट हाई होने करके ज़्यादातर पीपल मतलब कॉमनली पीपल की इनू अफोर्ड नहीं कर सकते। नैक्सट है लेज़र प्रिंटर जो कि कॉमनली यूज हो रहा नाउ डेज
इनू की आप पेज प्रिंटर भी कह सकते, जो कि लेजर प्रिंटर है वो अपना पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं एज आ। तो प्रिंटर की है जेडे एक्सपेंसिव होंगे है एंड इन्हों की जो स्पीड है वो आप मेजर कर सकते हैं पेजिज पर मिनट के कि किन्ने पेजिज ये प्रिंट कर सकता एक मिनट के एंड इस उपर की आप इमेजिज एंड करैक्टर्स कुछ भी है जो उन्होंने आप टाइप कर सॉरी प्रिंट करवा सकते हैं। लेजर प्रिंटर्स की होंगे एज आ इन्हों की है एल ई डी लाइट्स लगी हुई हैं जो कि प्रिंट कर दिया ने जो भी आप कमांड दी जाती। नैक्सट है प्लॉटर। प्लॉटर भी सिमिलर है प्रिंटर्स के, ठीक है, जिदा कि आप प्रिंटर्स के द्वारा कि कोई भी टैक्सट फॉर्मैट है जो इमेज है उन्होंने आप प्रिंट करते हैं सेम एज प्लॉटर के द्वारा भी की आप इमेजिज न पिक्चर्स आ जो भी अपनी ड्रॉ पिक्चर्स आ उन्होंने आप प्रिंट कर सकते। प्लॉटर्स है ये प्रिंटर्स के नालों थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है, एज कंपेरिजन टू प्रिंटर्स ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होंगे, ठीक है, कॉमनली इन्हों यूज नहीं किया जाता बट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए की है प्लॉटर्स की है ज़्यादातर यूज किए जाते। नैक्सट है प्रोजैक्टर। प्रोजैक्टर की अपना एक आउटपुट डिवाइस है जो कि अपनी जो भी आप ये अंदर कमांड दें, ठीक है, जो भी अपने कंप्यूटर के नाल कनैक्ट होगी जो भी ये अंदर इंफॉर्मेशन होंगी उन्होंने कि अपने एक फ्लैट सरफेस के उपर, ठीक है, वो उपर शो करता है जो भी आप अंदर मतलब अपनी इंफॉर्मेशन है जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो भी आप कमांड दी है, ठीक है, उस चीज़ को एज आ फ्लैट सरफेस के उपर शो करना उन्हों की है प्रोजैक्टर किया जाता है जो कि अजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहे हैं हर एक एजुकेशन सैक्टर के, ठीक है। एंड इन इनपुट आउटपुट डिवाइसिस छड़ के होर भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसिस एंड आउटपुट डिवाइसिस ने जो कि कॉमनली यूज हो रहे हैं अजकल, ठीक है। सो आई होप यू लाइक्ड माई लैक्चर and enjoyed it. Please like and share and subscribe our channel for another lectures. Thank you everyone.